ये जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे नहीं था लिस्टेड, ये वेबसाइट के माध्यम से जो इसकी एपीके फाइल्स हैं वो डाउनलोड होती थी। तो जो नॉर्मल एक बेसिक सिक्योरिटी चेक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर करता है उससे ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी जो मलिशियस नेचर है और ज़्यादा गंभीर थी। अगर एक पेमेंट गेटवे से हमें 40,000 विक्टिम मिले हैं और दूसरे पेमेंट गेटवे की डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, अगर उस पर भी इतने ही विक्टिम्स होंगे तो विद इन अ स्पैन ऑफ 17 दिसंबर ऑनवर्ड्स, अगर सपोज़ कीजिए 1 लाख लोगों ने इसमें पेमेंट की है, तो मान के चलें कि अगर 100 लोग डाउनलोड करते हैं तो एक आदमी उसमें पेमेंट करता है, इस लिहाज से अगर चलें तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि करोड़ों लोगों ने इस तरह के ऐप को डाउनलोड किया है और उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं और उनके डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। कि सबसे गंभीर जो पहलू है इस पूरे स्कीम में जो समझ में आ रही है वो ये कि इंडियन यूज़र्स को उनके सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से ऐसे प्रोफाइल्स को और ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए ये पुश कर रहा है और वो उसको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिनका ओनरशिप और कंट्रोल उनको नहीं पता है।